ज्ञान हमारी तीसरी आंख है। हम किसी वस्तु को देखकर ही संतुष्ट नहीं होते, उसे जानना और समझना भी चाहते हैं। बाहर की वस्तुएं जब हमारे अंतर्मन को छूती हैं, तभी हम प्रभावित होते हैं। नहीं तो चलते फिरते बहुत सारे दृश्य गुजर जाते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते। ध्यान देने के लिए हमें रुकना और सोचना पड़ता है। हम जीवन को केवल हर क्षण उत्तेजना की मुद्रा में नहीं रख सकते। समुद्र तल में बैठी हुई शांति की तरह हमारे मन के भीतर भाव छिपा रहता है। वही समाधि हमारा परम लक्ष्य होता है, पर वह सहसा नहीं मिल जाता। उसके लिए मन के तहखाने में, जिसे सुषुप्ति कहा गया है, विवेक और ज्ञान की सीढ़ियों के सहारे उतरकर अंतर्लीन होना पड़ता है। यहाँ हमें आत्म दर्शन का सुख मिलता है। हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्षेत्रों में सत्य छिपा हुआ होता है, जिसे प्रयत्न पूर्वक उद्घाटित करना पड़ता है। हमें अपने भाव के दायरे को स्वार्थ से परार्थ और परार्थ से परमार्थ तक ले जाने का अभ्यास करना होता है। मनुष्य बनने की दिशा में यह हमारा उठा हुआ पहला पग होता है। समदर्शी बनना हमारा स्वभाव बनना चाहिए। देवता की तीसरी आंख से प्रलय काल आ जाता है। कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी जल प्रलय में डूब जाती है, कहीं कुछ नहीं बचता। लेकिन जब मनुष्य की तीसरी आंख खुलती है, तब उसमें करुणा के अश्रु होते हैं। हम समदर्शी बने, समता का अनुभव करें और प्रसाद की तरह ग्रहण करें, तभी हम सार्थक होंगे। फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर के सिने जगत की निगाहें इस वर्ष भारत की तरफ हैं। एक सुखद संयोग है कि भारत और फ्रांस के संबंधों एवं फिल्म फेस्टिवल के 75 वर्ष और भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में भारत को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया है। वास्तव में यह उपलब्धि भारत की विश्वसनीयता की विश्व स्वीकृति है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी फिल्म महोत्सव में भारत को मिले इस सम्मान पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और उम्मीद जताई कि भारतीय जमीन विदेशी फिल्मों के लिए उर्वर साबित होगी। इस वर्ष फ्रांस में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर रखने का विशेष प्रयास किया गया है, ताकि विश्व के प्रतिष्ठित निर्देशकों का ध्यान खींचा जा सके। जाहिर है आने वाले दिनों में विश्व में भारत की साख बढ़ेगी। इस लिहाज से फिल्म महोत्सव का रेड कारपेट
हमारे लिए एक अच्छा अवसर है जहां हम खुद को कहीं बेहतर साबित कर पा रहे हैं। इसका सकारात्मक असर दुनिया भर के फिल्मकारों पर पड़ रहा है। स्टॉप।